हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी शिवा। और आज हम आपको दिखाएंगे कल्पा विलेज, द विलेज ऑफ कल्पा, द ब्यूटीफुल कल्पा विलेज। सो द कल्पा विलेज इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक हाफ अ किलोमीटर और 1 किलोमीटर प्रोबेबली। बट सिंस मॉर्निंग इज़ बिन रेनिंग एंड द सन केम आउट ओनली फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स, देन द सन केम गो बैक। But we had our breakfast, we got ready to go out, but again it's been raining as you can see, and the clouds are all over the place. In the other video, if you can see how clearly you can see the mountains, but in this video not. And there, if you can see the village, there is the village right there. So this is called the Kalpa village, so we'll be going there today. And let's just wait for half an hour more, or otherwise we'll take our umbrellas and we'll go. So आज यही इटिनरी है, कुछ नहीं, हम होटल रूम में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड द व्यू फ्रॉम दिस रूम इज सुपर्ब, सो लाइक यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम हेयर ओनली। यू डोंट इवन हैव टू गो आउट टू सिट देयर, जस्ट चिलिंग हेयर इन द रूम इज इनफ। सो गाइज, ये हमारा होटल है पीछे, यहीं से एक पाथ जा रही है फॉर 1 किलोमीटर टू दैट विलेज दैट आई शो यू। सो वी आर विल बी अप फॉर चैलेंज वॉकिंग विद 2 किड्स on the mountains. Right now I'm going to bring shoes for my baby, so let's go. ये कल्पा विलेज है मेरे पीछे पूरा का पूरा, वो ट्रेडिशनल विलेज है यहाँ का ना, और वो पीछे कल्पा का फोर्ट है, वही मोनेस्ट्री है एक बुद्धिस्ट, और यही मेरे पीछे एक ब्यूटीफुल सी बुद्धा का स्टेचू है, देखिए बुद्धा। नो नो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी, मीरा के बोनितो Mira. तो गाइज, यही ब्यूटी है रेकोंगपियो की कल्पा विलेज, जो आपने काफी वीडियोस में देखा होगा, वो यही विलेज है पीछे मेरे, और आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरे दिन यहीं पर ही रहेंगे, पूरे दिन छोटी छोटी चीजें देखेंगे जो यहाँ विलेज को स्पेशल बनाती है। ये भाई अपने नारकंडा से साथ में है, ये वहीं पर ही शेफ़ और हेल्प करते हैं होटल में, जो मैंने आपको होटल बताया, इनका नाम ललित है, और ये हमारे को थोड़ा सा नीचे दिखाने लाए हैं। और गाइस, आज बारिश के पूरे पूरे आसार है, सुबह से हो ही रही है, बट देखो धूप आएगी तो वो सब कुछ रेंज दिखेगी जो पिछली वीडियो में आपको दिखी है। सो लेट्स गो। सो गाइस, जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है बच्चों के साथ वो ये है कि आप मूव नहीं कर सकते जितना आप चाहते हो, अदरवाइज़ आप ज़्यादा मूव कर सकते हो। और ये देखो, अब ये प्रैम है, प्रैम को संभालना पड़ेगा। सो गाइज, हम उस वाले फोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ पर और मोनेस्ट्री भी है, जैसे हम पहुँचने ही वाले हैं, हाफ वे आ गए हैं, हाफ वे और है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेट मी टेक वन फोटो। Hmm?
तो गाइस अभी हम मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं, कल्पा की मोनेस्ट्री। बिहाइंड मी इज द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री इन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस। दिस इज वन स्तूपा, देयर इज वन गौतम बुद्ध स्टैचू, देयर होल दैट थिंग फॉर रूलिंग टाइम चक्र, एंड लुक एट दिस गाइस। ये नहीं मेरा, mira qué bonito। वो कौन? या सो गाइस, दिस इज द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री हियर इन कल्पा। वी जस्ट विजिटेड दिस, स्टे हियर फॉर हाफ एन आवर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कामिंग, वेरी पीसफुल, एंड पीपल वर डूइंग मेनी थिंग्स हियर, लाइक इनसाइड दे वर वर्शिपिंग। सो गाइस, आई गेस मोनेस्ट्री के आगे ही जाना है या दूसरा रास्ता होगा फोर्ट का। Let me ask someone, but looks like there are more things there. We're just walking down the village, so not a problem. Whatever we see, we gonna, you know, see it like we see it. So keep rolling. This is the monastery. Now we have to go to the fort. सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं कल्पा फोर्ट। वी आर एट द कल्पा फोर्ट राइट नाउ, एंड वी जस्ट रीच देयर, एंड फाइनली दैट फोर्ट वी वांटेड टू सी, दिस विलेज, दिस फोर्ट एंड द मोनेस्ट्री। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द कल्पा फोर्ट, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू। Behind me is the Kalpa Fort or the Koti Temple. It's one place where devta or the gods reside. Other than that is one fort from ancient times, and it looks beautiful, beautiful, beautiful. It's at the center of the village Kalpa, and a must explore place, and
What I really like about that fort is the architecture, and it stands like one building, complete one building like this till up. And you can see this fort basically from all the places in the village. Wherever you stay nearby, you can see this fort because it's huge. I don't know how huge it looks, but it's pretty huge. If you compare this fort with the rest of the scenery, you can see that how big it is. And this is the entrance of the fort, and from here you enter. I don't know what's inside because it's closed, but this is for what people say, go to Kalpa village. It's beautiful. First of all, it's a village, very ethnic, in Himachal Pradesh, far remote, near the other side of Pin Parvati, the other side of Manali. And behind me is the beautiful scenery that tells you everything about this place, why. And there's one Kinnar Kailash mountain also. So all these places make this place completely religious. It's called Land of Gods, and it's called Land of Gods for no reason. ये भाई देवताओं की भूमि है, देव भूमि हिमाचल प्रदेश. और ये देव भूमि आज से नहीं, जब से बाबा भोले बाबा हैं तब से ये देवनगरी है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश. तो ये स्पेसिफिक जगह होल्ड करती है हम इंडियंस के लिए, एंड पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दैट वी प्ले द प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ऑल ऑफ उत्तराखंड इज़ बेसिकली योर यू नो लैंड ऑफ गॉड्स और देवभूमि. सो आई शो यू अनदर ब्यूटिफुल विलेज टुडे. Just after this we are going for having lunch, and after having lunch we'll be going back to our room. This was all for today, just walking slowly in the village, and that's all. Keep following. So guys, ये सारा वुडन है जो भी आप देख रहे हो, सारे वुड की कारीगरी है. और यहाँ बड़े बड़े लॉक लगाए गए हैं. यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, सो दैट मीन्स इट्स क्लोज. यहाँ पर एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स भी है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल ऑल वुडन आर्किटेक्चर. बट ऑब्वियसली दे हैव यूज्ड स्टोन्स हियर, स्टोन्स एंड पिलर्स ऑफ वुड. सो ऑल टुगेदर इट होल्ड्स द फोर्ट टिल अप. एंड देयर इज द मोनेस्ट्री, देयर इज द स्तूप दैट आई जस्ट शो यू. सो वी वेंट देयर फर्स्ट एंड वी कम बैक हियर. सो इट्स राइट बाय साइड, बोथ द प्लेसेस आर टुगेदर ओनली, सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. And that's all for Kalpa Fort or Koti Temple. So guys, look at this old post box. This is our post box for Kalpa. Guys, I went till below, but I forgot my umbrella, so I come back again. It's raining here now, a lot, and maybe it will snow, we don't know, let's see. So guys, we are here in one small place to eat, here in Kalpa, and it's very small, but you can sit like 20 people here in this small place. Ethnic, how do you say, from Kalpa village. We are at just right by the monastery and the Kinnar Fort, and we're just eating here, chilling out. We made a new friend. Yeah, we made a new friend. He's from Mumbai. Your name? Rohit. He is traveling solo for last 70 days, so hats off to him. Wow. 17 or 70? 70 days. 70 days. From Mumbai, he's traveling here in Himachal and Uttarakhand. Is your first time? So is that. What? Is this your first time? First time coming here? No, I have been like third time here. Okay. I think it's something very amazing. No, from Mumbai to Mumbai. So guys, this is how it looks, a small restaurant here. And the talent is like village. Cut. So guys, all the mountains with snow are covered in clouds. Let's see if it will snow or not, but it's raining right now. And it's 3 o'clock in the afternoon and there is no sign of sun right now.
So as people say that it may be late in evening, it will snow, so let's see. Guys, it has started to snow here and it's my first time experiencing snow and it looks beautiful, beautiful, beautiful. So guys, I cannot believe my eyes. It's the first time that I am seeing it snowing. Look at it, brother and sisters. Fuck, I can see the snow, guys. So guys, it was our good luck that we see the snow, and me seeing the snow for the very first time in my life here at Jagangpio and Kalpa. So this place has become more special to me. It comes and goes, sometimes you can see the snow falling better and sometimes not. So it's like wow. जब बर्फ़ गिर रही है तो दिख रही है कि बर्फ़ जैसी है, बट जब वो गिर जा रही है तो पानी जैसी लग रही है बिल्कुल. तो यू कैन नॉट टेल दैट एक्चुअली व्हाट इज़ बर्फ़ और व्हाट इज़ नॉट, बट इट इज़ लुकिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल द होल थिंग. सो गाइस, पूरी वैली में क्लाउड्स आ गए हैं और धीरे धीरे इसी तरफ आ रहे क्लाउड्स. लेट मी पुट ऑन टाइम लैप्स. सो गाइस, क्लाउड ऊपर तक आ ही गए हैं, हमारे होटल तक क्लाउड्स पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके. आप देख सकते हो जैसे कि ये रहे क्लाउड्स. आई एम स्टैंडिंग इन क्लाउड्स राइट नाउ. आई डोंट नो हाउ टू शो यू, बट लुक एट दिस, द क्लाउड्स आर ऑलरेडी हियर एंड दे आर मूविंग अप. आई मीन वाओ गाइस, वाओ 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 वाओ. It looks extremely beautiful, mesmerizing, I would say. Look at it, guys.
And guys, Vora Kalpa Fort, which you can hardly see, and in all my videos from last 2 days, this was the prime focus. And right now, can you see it or not? It's almost gone in the clouds. So guys, this place is special now. It's special for me now. Do come to this place, I recommend it.